नमस्कार, शुभ सकाळ। प्रथम खबर सह मु कमलाकांत। प्रथमे हेडलाइन्स। हेडलाइन्स इज ब्रॉट यू बाय खिमजी ज्वेलर्स, हैंडक्राफ्टिंग ब्लेसिंग्स सिंस 1936। खिमजी। आज श्रीजीवंक नवजौवन दर्शन। 15 दिन अनवसर पर भक्तंकु दर्शन देवे चतुर्धामूरती। सकाळ 8 परिमाणिक दर्शन, 9 11 2 घंटा सर्वसाधारण दर्शन, लक्षाधिक श्रद्धालुंक समागम। पुलिस पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। आसंता कालिठु कमिबो ताती, लोकंकु मिलिबो आश्वासी। 2 दिन मध्यरे दिनर तापमात्रा 3-5 डिग्री कमिपारे। 21 बर्षार विस्तृति बढ़िबा नेइ पाणिपाग केन्द्र पक्षरु आकलन। गतकाली रातिरे राज्यर विभिन्न स्थानरे घड़घड़ी सह वर्षा। आजिठु रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवक 3 दिनिया ओडिशा गस्त। पुरी रेल स्टेशनरे यात्रीक पाई सुविधार करिबे समीक्षा। 20 तारिखर रथयात्रे हेब सामिल, परे बालेश्वर जिला हॉस्पिटल जाए कर्तृपक्षक भेटे रेलमंत्री। शिमिलपाल 2 वन कर्मचारी हत्यार प्रतिवाद। आज आंदोलन में 5376 फरेस्ट गार्ड, 2530 फरेस्ट ड्यूटी रही पाट्रोलिंग न करने निष्पत्ति। 5 दफा दावी पूरण नहले 10 समूह आंदोलन चेतावनी। हनुमान जयंती में हिंसा घटना। आज एससी कमिशन उपाध्यक्ष संबलपुर गस्त करेंगे। आक्रमण में आहत युवक भेटे जिलापाल, एसपी और उत्तरांचल आईजी को साक्षात पर करेंगे सांबादिक सम्मेलनी। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समीक्षार दिनक पर बरगढ़ में निर्माणाधीन 2G इथानल बायो रिफाइनरी प्रकल्प ताला। बलपूर्वक प्रकल्पर काम बंद कर सांसद सुरेश पुजारी ट्विट। मुख्यमंत्री और केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री को पदक्षेप ने अपील। भारत इंटरकंटिनेंटल कप फुटबल चैंपियन 2-0 गोल्ले लेबनान खराइ। द्वितीय थर चैंपियन है दल। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम चली फाइनाल टक्कर। एवं संपूर्ण खबर। आज श्रीजीवंक नवजौवन दर्शन। 15 दिन अनवसर पर भक्तंकु दर्शन देवे चतुर्धामूरती। सकाळ 8 आरंभ हेब परिमाणिक दर्शन, पर 9 11 2 घंटा सर्वसाधारण दर्शन। यापर दर्शन बंद कर घोषयात्रा प्रस्तुति आरंभ हेब। सेपटे आज महाप्रभु नवजौवन दर्शन एवं नेत्रोत्सव में लक्षाधिक श्रद्धालु समागम हेब। यह दृष्टि रखि पुलिस विभाग पक्ष सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा सहित 70 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे। ट्राफिक सुपरिचालना प्राय 25 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबे। स्वतंत्र ट्राफिक व्यवस्था सहित पार्किंग उपर मध्यम गुरुत्व दिया जाइछे। जगन्नाथ वल्लभ, ब्लू फ्लाग, जात्रिका, तालबणी आदि स्थान मानक पर्यायक्रमे पार्किंग व्यवस्था कर। आज सकाल धूप सर आज्ञामाला तीन रथ निकट को विजे कर सहित रथ त्रय को रथ खोलारू सिंहद्वार अभिमुखे टणाजीव। अन्यपटे आज भोई सेवक माने नवम हरिबोल पकाई तीनोटी प्रभा को तीन रथ ऊपर उठाइबे। सीधासलख पुरी जीवा प्रियदर्शन रही प्रतिनिधि। प्रियदर्शन, 15 दिन अनवसर पर आज भक्त को भगवान दर्शन देवे। निहाती पकरे कमलाकांत, देखंतु नवजौवन दर्शन रो जो अनुभव थाए, जो कोटि पुण्यर ये क्षय बोली कह जाए जितेबाला नवजौवन दर्शन करा हुए। कहीं महाप्रभुकर बनक लगी नीति सरी महाप्रभु नवजौवन प्राप्ति होती। कहीं 15 दिन जो असुस्थता रही भितर गुप्त उपचार जारी रही गुप्त उपचार पर महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ हेले। तापर मध्य द्वादशी पर द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पंचदशी गुप्त उपचार जारी रही आज महाप्रभु नवजौवन बेस दर्शन करेंगे। और जहाँ एवं पर्यटन सूचना रही मंगला आरती एपर्यंत नीति होउची, चका अवसर हो मंगला आरती होउची, यापर मैलम अवकाश ये समस्त नीति गुड़िक पर्याय पर पर्याय हेब। एवं जो दशवतार ठाकुर रही थे पूजा पाते पटिदेव सहित से मध्य बाहुड़ा करिबे। एवं अन्य पटरे ताटी एवं पटिदेव ये विसर्जन हेब। एवं पूरा चित्र जो रही आपण देखुथिबे सिंहद्वार पूरा चलचंचल रही। पुलिस फोर्स मैंने मुतयन रही अधिकारी मैंने नियंत्रित करछंती। अन्य पटरे
ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ହେବା କଥା ବା ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପଟି ଦିଅଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପଟି ଦିଅଁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ଆଳତୀ, କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷରେ ପଟି ଦିଅଁ ଆଜିଠାରୁ ବିସର୍ଜନ ହେବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପୁରା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଥିଲା ଆଜି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ପୁରା ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ପରିମାଣିକ ଟିକେଟ୍ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ 8ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 9ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିକି କହୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥିଲା, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଦିଗରୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେମିତି ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଦରଜି ସେବାୟତମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଓଟସୁଆସିଆମାନଙ୍କୁ କନାଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ, କନାଗୁଡ଼ିକ ମଣ୍ଡ ନେଇଛି, ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଶେଷ କଥା ରହିଛି କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜିତ ହେବେ ସେ ପ୍ରଭାକୁ ରଥ ଉପରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବା ରଥ ଉପରକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠି ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ାକୁ ଆସିବ ରଥ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଭିଡ଼ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଜମିଲାଣି, ରାତ୍ରିରୁ ବା ଭୋରରୁ ଆସିକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁରା ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ଅବକାଶ ମିଳିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଜି ଯାକେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଠାରୁ ପଟି ଦିଅଁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ସର ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ନବଯୌବନ ବେଶର ସେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ 15 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେହି ଅବକାଶ, ଅତଏବ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଟି ଦଶାବତାର ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବକାଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ତାଟି ଫିଟିବ, ତାଟି ଫିଟିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ହେବ। ତେଣୁ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ, ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀତି ରହିଛି, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ରହିଛି, ଦୈତାପତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏତେ ନୀତି ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ସିଂହାର ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଛେନାପଟା ଲାଗିହେବ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ ଚାଲିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ ନବଯୌବନ ବେଶ ଯାହାର ବଖାଣୁ ଥିଲେ, କେମିତି ରହିଥାଏ ନୀତି, କେମିତି ଭାବରେ ନବଯୌବନ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ବନକ ଲାଗି ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ଧରିକି ପୁରା ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝଟକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନବଯୌବନ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ପୁରା 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ତା ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ ଚକା ଆଖି ସେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ଚମକ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଅନେକ ବେଳୁ ଆସିକି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲେଣି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଯିବା ଟିକେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଜି କାହା ସେ ଆଇଥା ସୁରଟ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କେ ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ମତଲବ ମନ କେସା ବ୍ୟଗ୍ର ହେ ମନ କେସା ରହେ ଜୋ ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ଜବ ବି ଆପ ଆତେ ହେ ୟା ମତଲବ କେସା ଅନୁଭବ ହୋତା ହେ ବହୁତ ଅନୁଭବ ହୋତା ହେ ଐସା ଲଗତା ହେ କି ଭଗବାନ ହମାରି ପାସ ଆ ଜାଏଙ୍ଗେ ଐସା ହୋତା ହେ ବହୁତ ମନ ହୋତା ହେ ଭଗବାନ କେ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀ କେ ଲିଏ 3 ବଜେ ସେ ଖରେ ହେ ଲେକିନ ନେଇ ଜାନେ ଦିଆ ହମ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ 6 ବାର ଆୟା ହେ ଇଧର दर्शन के लिए भगवान के बार बार लेके आए ऐसा मानते हैं हम लोग भगवान से बनना है कि बार बार लेके
निश्चित भाव में आज जेहेतु पट्टीदीय शेष दर्शन पट्टीदीय ताटी विसर्जन हो किंतु नवजौवन देश में दर्शन देवे महाप्रभु आउ राति पाहिले घोषयात्रा अन्य जो मैंने रही प्रतिक्रिया ना जी कहाँ से आए थे जी? इंदौर एमपी से। दर्शन के लिए कब से खड़े हुए? हम लोग करीबन 3 बजे 3-4 बजे से। इतने जल्दी आ गए, यहाँ प्रतीक्षा कर रहे, मतलब कैसा चल रहा है मन में सब? बहुत अच्छा चल रहा है, प्रतीक्षा ऐसा लग नहीं रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा अनुभव होता है जब भी महाप्रभु को दर्शन का अवसर मिलता है, कैसा अनुभव होता है वो? बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा लगता। जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या? तो आप बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है दिल को कि भगवान के अब दर्शन होंगे। आप इंदौर से आए हैं? हम रात को 3 हाँ पढ़ाई 12वीं 12th। कब से मन में विश्वास हुआ कि जगन्नाथ जी, जब भी जो विश्वास होता है वो कब से हुआ? जब दादी ने कहानी सुनाई थी तब से। दादी ने जब दादी दर्शन करके गई थी, फिर बुआएं आई, फिर उन्होंने बताया यहाँ के बारे में, तब से। आज की जो दर्शन है उसके बारे में कुछ जानते हैं, मतलब जो दर्शन है पहले कभी देखे हैं आप? नहीं, इनके बारे में इतने सुने हैं, आज दर्शन करेंगे, ये तो एक अलग सा अनुभव होता है ना? ये अलग अनुभव है। उस दिन हमने पर्दा दर्शन करा था एकादशी पे, वो सब देखा था ऊपर का, बट आज के दर्शन कुछ अलग है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो अनुभव होता है वो कैसे? एकदम यहाँ आके मन में शांति अद्भुत ही मिलती है, और मन में एक अलग ही विश्वास जागता है जगन्नाथ जी के प्रति, यानी एक विश्वास मन में जो है वो यहाँ आके अलग ही एक उसके वो रहती है रूपरेखा। निहाते प्रिय दर्शन आप जमी प्रतिक्रिया नौले अनुकोण विश्व अनेक लोक आसी महाप्रभु दर्शन पाए लोग सब साथ में बहुत सारे इंदौर वाले हैं। अच्छा अच्छा, दर्शन के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ तो चल रहा होगा मन में कि कैसे दर्शन करें। आसंता कालीठू कमिब ताति, लोकों को मिलिब सामान्य आश्वस्ति। आगामी 20 परवर्ती 2 दिन मध्य दिन तापमात्रा 3-5 डिग्री कमिपे। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर ट्विट जगे सूचना दि जाएगी। आसंता 21 वर्षार विस्तृति बढ़िया नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षर आकलन कर 22 वर्षार परिमाण बढ़ किसी जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। 21 जून में विभिन्न स्थान में हालुकु मध्यम वर्षार संभावना रही। आज 3 दिनी ओडिशा गस्तर आसिबे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। पुरी रेल स्टेशन रे यात्रियों पर सुविधार समीक्षा करेंगे। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा नहीं यात्रियों सुविधा व्यवस्था समीक्षा करेंगे। परे बालेश्वर महानगा बाजार जिबे, स्थानीय लोकों भेटिबार कार्यक्रम रही। सेपरी बालेश्वर जिला हस्पिटाल जाए कर्तृपक्ष भेटिबे रेलमंत्री। जिलार प्रशासनिक अधिकारी सहित आलोचना करने सहित बालेश्वर रेल स्टेशन अग्रगति नहीं समीक्षा करेंगे। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समीक्षा करिबार दिनक परे बरगढ़ में निर्माणाधीन 2G इथानल बायो रिफाइनरी प्रकल्प में ताला पड़ी। धमक दिया बलपूर्वक प्रकल्प काम बंद कर ट्विट कर सूचना देखते बरगढ़ सांसद सुरेश पूजारी। बरगढ़ चाषी आर्थिक विकास में बड़ भूमिका नाकुवा प्लांटर निर्माण कार्य किभली बिना बाधा चलीपर से नहीं हस्तक्षेप करने मुख्यमंत्री को ट्विट जगे अनुरोध करते बरगढ़ सांसद। एथसत यथाशीघ्र समस्या समाधान पदक्षेप ने बरगढ़ जिलापाल एवं एसपी को भी जन सुरेश पूजारी। केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यह घटना को गुरुतर सह नहीं पदक्षेप ने ट्विट जगे अनुरोध कर। राज्य युवमोर्चा सभापति इराशिष आचार्य ट्विट कर सीधासख मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायकों चाषी विरोधी बोली कहते। बरगढ़ ओडिशा सरकार द्वारा परिचालित विभिन्न शिल्प कारखाना बंद होता बेले कहीं जिला प्रशासन एवं क्यों स्वार्थर केन्द्रीय योजनार निर्माणाधीन इथानल कारखाना को बंद करदे से नहीं प्रश्न उठाई इराशिष। गत 11 तारीख में बरगढ़ बीपीसीएल इथानल प्लांट परिदर्शन जाते केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।
1607 कोटी टंका व्ययरे निर्माणाधीन एही प्लांट अग्रगति कार्यर समीक्षा करिबा सहित डिसेंबर सुधा काम सारिबा पई निर्देश दिया जाइथिला। एही इथेनॉल कारखाना कार्यक्रम हेले बरगढ़ संबलपुर सोनपुर बलांगीर एवं यार आखपाख अंचल चाषींकर आय वृद्धिर एक बड़ माध्यम होइपारे। एबे प्रश्न उठुछि किएसा जिला चाषींक स्वार्थरे बाधक, 2G इथेनॉल रिफाइनल प्रकल्प काम बंद पई किए रचिछि षड्यंत्र। सिमिलपालरे दुई वन कर्मचारी हत्यार प्रतिबाद, आज आंदोलन में 5376 फॉरेस्ट गार्ड, 2530 फॉरेस्टर होती, 282 डेप्युटी रेंजर प्रतीक भाव आंदोलन में सामिल होते। 29 जोन कर्मकर्ता बसी बैठक में निष्पत्ति ड्यूटी रही पेट्रोलिंग करें वन कर्मचारी कड़ा निष्पत्ति। जुलाई 8 तारीख पर्यंत प्रतीक आंदोलन करेंगे कर्मचारी, तेज सरकार 5 दफा दाबी पूरण नक 10 समूह आंदोलन डेडलाइन दि जाए। भुवनेश्वर लोअर पीएमजी में समूह आंदोलन को ओल्हवाई चेतावनी देती ओडिशा अणगेजेटेड वन सेवा संघ। भारत इंटर कंटिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियन लेबनान को द्वितीय थर पर जब देखिए बर्तमान भारत चैंपियन होती लेबनान को हर लेबनान को 2-0 गोल हर टाइटल हाथी टीम इंडिया। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम चली फाइनाल टक्कर, कलिंग स्टेडियम अनुष्ठित सुपर संडे हाई वोल्टेज फाइनाल मैच में अधिनायक सुनील छेत्री और लालियान जुआल सुपर गोल सहित भारत इंटर कंटिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियन होती। घर दल 2-0 गोल लेबनान को हर द्वितीय थर पर चैंपियन होती। आज पूर्व 2018 भारत चैंपियन होता। दुई हजार एक वर्ष गोरखपुर गीता प्रेस को प्रदान करा जिबो गांधी शांति पुरस्कार, एने ट्वीट करी गीता प्रेस को शुभेच्छा जनाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकों मध्ये सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन को आगक नेबा दिगरे गीता प्रेस दीर्घ 100 वर्ष हेबो कार्य करी आसुथिबा प्रधानमंत्री निज ट्वीट रे उल्लेख करिछंती। गोरखपुर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करा जिबा नै रविवार सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश पाइछे। गीता प्रेस गोरखपुर अहिंसा तथा अन्यान्य गांधी प्रणाली माध्यम रे सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनैतिक परिवर्तन दिगरे उल्लेखनीय अवदान पाई स्वीकृति लाभ करिछे। ब्रह्मपुत्र फुलुची आसाम कांदुची, आसाम रे बन्या स्थिति संगीन होबार लगी, अनेक तलिया अंचल एवं जलमग्न होबार लगे। 13 जिलार प्राय 38,000 लोक बन्या जो प्रभावित होती, 77 गाँ पानी घेरे रही बेले 209.67 हेक्टर चाष जमि जलमग्न हो व्यापक फसल नष्ट। अनेपटे स्थिति मुकाबला प्रस्तुत थ राज्य सरकार, नदी में पा बढ़ु गौहाटी निकटने जलमग्न हो तलिया अंचल बुड़गला रास्ताघाट पानी घेरे रही कंस्ट्रक्शन साइट। ब्रह्मपुत्र नदी मझीरे भगवान विष्णु अनंत शयन मूर्ति बुड़ाक बसला। केवल गुवाहाटी काईक आसाम अनेक जिले में तलिया अंचल पा पशि, आसाम धेमजी जिलार अनेक गाँव लहड़ी भांगुची बनापा, घरे पा पशिप लोके घर छाड़ नदी बंधे अस्थायी कुड़िया कर आश्रय नहीं। लक्ष्मीपुर जिलार विभिन्न अंचल में बन्यापा गाँव में प्रवेश कला, घरद्वार बुड़ाक बसी बेले लोके आश्रय लगे जगह खोजुंट। बुलेटिन समय सर अधिक अपडेट देखते अर्गस न्यूज। नमस्कार।